यूपी के हमीरपुर में मझगवां थाना क्षेत्र के कोठा गांव में एक घर में 63 वर्षीय महिला का क्षत विक्षत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और परिजनों ने इसकी सूचना थाने में दी, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची। ये सब देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि 63 वर्षीय वृद्ध महिला के हाथ और पैरों की उंगली, कान और गर्दन कटी हुई थी। आलाधिकारियों ने इसकी जांच कराने के लिए कई टीमें बना दी हैं और मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना कर जांच पड़ताल की है। वहीं पुलिस ने वृद्धा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। मझगवां के कोठा गाँव में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक 63 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला करके हत्या किया गया है। परिवारजनों ने कुछ लोगों पर शक जताया है, जिसके आधार पर 4-5 लोगों को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया है। साथ ही मौके पर हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। यूपी के हरदोई में शाहबाद थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में 7 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता का मुंह बंद कर गांव का एक युवक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी हो सके। ये सूचना मिली है थाने पे और हम लोग मौके पे हैं। घटना प्रथम दृष्टया सत्य है। ये बच्ची के साथ इसी के गांव के पड़ोसी ने ही गलत काम किया है या करने का प्रयास किया है। ये मेडिकल से प्रथम दृष्टया तो किया है और चीज़ें मेडिकल से तय होंगी। हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई करा रहे हैं। यूपी के मेरठ में कंकरखेड़ा क्षेत्र के फाजलपुर में दबंगों की करतूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 बाइक्स पर सवार होकर 9 दबंगों ने एक कॉलोनी में हवाई फायरिंग की, जिससे कॉलोनी के लोग सहम गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि उन दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद और घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों की पहचान तक नहीं कर पाई, तो न जाने गिरफ्तारी कब होगी। यूपी में बरेली पुलिस लाइन ग्राउंड में हुए 178 महिला रिक्रूट आरक्षी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने महिला रिक्रूट को संदेश दिया कि वो सभी दहेज रहित शादी और रक्तदान का संकल्प लें। दीक्षांत समारोह में एडीजी के साथ साथ डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। आज 178 महिला रिक्रूट कांस्टेबल्स का शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया था। ये दिसंबर 2019 को यहाँ पे इनका आगमन हुआ था और 17 जुलाई यानी आज तक इनकी ट्रेनिंग हुई है। विपरीत परिस्थितियों में इनकी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि कई महीना इनका कोरोना काल में गुजर गया, लेकिन तब भी निर्विघ्न तरीके से बिना बाधा के इनकी ट्रेनिंग चलती रही। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष अमित यादव ने बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ गुन्नौर तहसील परिसर में यूपी में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है,